धार में कांग्रेस विधायक उमंग सिंघा की सरेआम दिखी गुंडागर्दी, बीजेपी सांसद सावित्री ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ता को मारा थप्पड़। एक लड़की की मौत पर पीड़ित आदिवासी परिजन को मुआवजे का चेक सुपुर्द करने का था मौका। इस दौरान कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने एक अधिकारी को भी जड़ा थप्पड़, बीजेपी सांसद उन्हें रोकती रही। चेक निकालते क्यों नहीं? मुआवजे का चेक सुपुर्द करने में सहरा लूटने की मची थी होड़। कांग्रेस विधायक ने देर तक बीजेपी सांसद से की बहस। बारिश और बाढ़ से बेहाल है उत्तराखंड। कोटद्वार में रिहायशी इलाके में तेज बहाव से ढहा मकान। दो मकानों के साथ वन विभाग की चौकी भी ढही। जिम कॉर्बेट पार्क के स्वागत केंद्र को भी पहुंचा नुकसान। कोटद्वार में मूसलाधार बारिश के बाद रिहायशी इलाके में जलभराव, तेज बहाव से देखकर दहले लोग। बारिश से कोटद्वार में जनजीवन अस्त व्यस्त, समूचा इलाका सैलाब में डूबा। सैलाब के साथ कोटद्वार में भूस्खलन का भी संकट, घरों में घुसा पहाड़ी का मलबा, कई जगहों पर लगा जाम। हल्द्वानी में सैलाब की आफत में घिरी अर्थी, अंतिम संस्कार के वक्त अचानक आई बाढ़ ने चिता को चारों ओर से घेरा। मूसलाधार बारिश हल्द्वानी में जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर दिखा तेज बहाव का नजारा। रामनगर में जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग। सड़क पर तेज बहाव के बीच निकले कार और बाइक सवार। बहाव के बीच फंसी कार लोगों ने धक्का देकर जैसे तैसे निकाला, प्रशासन ने हिदायतों की नहीं की परवाह। कोटद्वार में जलभराव से खस्ताहाल सड़कें बनी मुसीबत, ऑटो पलटने से कई लोग हुए घायल। भारी बारिश के बाद पुल की ऊपरी सतह को छूकर बहता दिखा दरिया। उत्तराखंड के लक्सर में गंगा की बाढ़ से तटीय इलाके में बढ़ा खतरा, कई गांवों पर संकट, एसडीआरएफ की टीम अलर्ट पर। ऋषिकेश में उफान पर गंगा, आम दिनों में शिव प्रतिमा से 8 फुट नीचे रहता है गंगा का बहाव। पिथौरागढ़ में सैलाब से पुल ढहने का बड़ा खतरा, रोका गया यातायात। उधम सिंह नगर में बारिश और बाढ़ से आफत, सड़कों पर जलभराव से जूझे लोग, मकान ढहने से महिला हुई घायल। मूसलाधार बारिश से पानी पानी हुआ स्मार्ट सिटी जमशेदपुर, सड़क पर दिखा समंदर का नजारा। रांची में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर घुटने घुटने तक दिखा जलभराव। खराब मौसम के चलते रांची एयरपोर्ट पर भी नहीं हो सके सीएम रघुवर दास के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग। यूपी के फरुखाबाद में बरपा गंगा और रामगंगा नदी का कहर, 24 गांवों में सैलाब का संकट, फसल चौपट। फरुखाबाद में जोखिम उठाते दिखे बच्चे, पुल से उफनाती धारा में लगा रहे छलांग। यूपी के बाराबंकी में पुल से छलांग लगाने वाला बच्चा बाहर, तलाश जारी, लेकिन अभी खतरा उठाकर छलांग लगाते दिखे बच्चे। लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन में राहुल गांधी ने पीएम मोदी और संघ बीजेपी पर फिर किए करारे वार। आरएसएस की मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना वाले बयान पर कायम। राहुल बोले, मुस्लिम ब्रदरहुड और संघ में है कई समानताएं, दोनों चुनावी प्रक्रिया को संस्थाओं पर कब्जा करने का मानते हैं जरिया। राहुल गांधी ने कहा, मुस्लिम ब्रदरहुड और संघ दोनों की स्थापना 20 के दशक में हुई। अनवर अल सादात की हत्या के बाद मुस्लिम ब्रदरहुड पर प्रतिबंध लगा और गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की जमकर सराहना की, उन्हें बेहद क्षमतावान बताया। बोले, पीएम मोदी ने उन्हें सिर्फ वीजा बनाने के कार्य तक सीमित कर दिया, अपमान। राहुल ने अफगानिस्तान यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने अचानक पाकिस्तान को गलत कदम बताया। राहुल के बयान पर बोली केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर, कहा, अगर सिख दंगा नहीं हुआ तो राहुल के पिता और दादी की हत्या नहीं हुई बल्कि उन्हें मौत हार्ट अटैक से आई। लखनऊ के कार्यक्रम में छलका मुलायम सिंह का दर्द, कहा, आज मेरा कोई सम्मान नहीं करता, शायद मरने के बाद याद करे लोग, यही लोहिया के साथ भी हुआ था। अमर सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले, अखिलेश समाजवादी नहीं नमाजवादी है। गोरखपुर के बीआरडी कॉलेज में 7 मासूमों की मौत के चर्चित मामले पर बोले सीएम आदित्यनाथ,
बीआरडी कॉलेज में किसी मासूम की ऑक्सीजन के अभाव में नहीं हुई थी मौत। बीआरडी कॉलेज में मासूमों की मौत के केस में सीएम योगी ने मीडिया पर हेडलाइन बनाने का ठीकरा फोड़ा। बीआरडी कॉलेज में अंदरूनी राजनीति का दिया हवाला। राजेंद्र पाल सिंह तूर ने एशियाड में भारत को दिलाया सातवां गोल्ड। 20.75 मीटर गोला फेंक कर एशियाई खेलों में बनाया रिकॉर्ड। एशियाई खेलों के सातवें दिन भारत को मिला 3 कांस्य। स्क्वॉश में महिला सिंगल्स में जोशना चिन्नप्पा ने जीता कांस्य। दीपिका पल्लिकल ने भी स्क्वॉश में जीता कांस्य। सेमीफाइनल में मलेशिया की डेविन निकोल को हराया। भारत को सौरभ घोषाल ने स्क्वॉश में दिलाया तीसरा कांस्य। पुरुष एकल सेमीफाइनल में मिली हार। 400 मीटर रेस में फाइनल में पहुंची हिमा दास। दीपी चंद ने भी 100 मीटर रेस में फाइनल में बनाई जगह। एशियाई खेलों में बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु और साइना नेहवाल। प्री क्वार्टर फाइनल में दोनों को मिली आसान जीत। महिला हॉकी में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। ग्रुप में टॉप पर पहुंचे। एशियन गेम्स में सोना जीतकर लौटी वतन की बेटी विनेश फोगाट। जोरदार स्वागत। विनेश ने एयरपोर्ट पर समर्थकों के बीच काटा केक। कबड्डी टीम के खिलाड़ी मधु का भी मुंबई एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। एशियन गेम्स में भारतीय कबड्डी टीम को मिला था रजत पदक। अभी वर्ल्ड चैंपियन में फिर गोल्ड लेंगे और फिर 4 हजार एशियन गेम्स में हमारा ही गोल्ड आएगा। इंडिया गोल्ड रहता है और इंडिया गोल्ड ही रहेगा। अमेरिका के हवाई में भारी बारिश का टूटा कहर। हाईवे बहता दिखा दरिया। पुल के ऊपर से बहा पानी। चीन के हार्बिन में एक होटल में लगी भीषण आग। हादसे में 19 लोगों की गई जान। डेनमार्क में क्लिफ डाइविंग का दिखा शानदार नजारा। रेड बुल ने क्लिफ डाइविंग वर्ल्ड सीरीज का किया आयोजन। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में लोगों ने पोप फ्रांसिस का किया विरोध। पादरियों के जरिए हुए यौन शोषण का उठाया मुद्दा। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।